अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। दो फ़ोन का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मोटोरोला Z2 फोर्स का और सोनी Xz2 का। ये मैंने चेक किया है, किसी ने भी नहीं किया ऐसा कंपैरिजन, और मुझे आए थे कमेंट्स में काफ़ी कि इन दोनों का कंपैरिजन बताएं, कौन सा ठीक है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो उसी पर मैं ये रिव्यू बनाने वाला हूँ कि आप ख़ुद भी देख लेंगे कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इसकी स्पेक्स बता देता हूँ। मोटोरोला Z2 फोर्स के अंदर स्नैपड्रैगन 835 इंस्टॉल्ड है और सोनी एक्सपीरिया Xz2 के अंदर स्नैपड्रैगन 845 है, और ये दोनों प्राइस में भी सेम है। बट सोनी Xz2 आपको PTA अप्रूव नहीं मिलेगा इस रेंज में। ये दोनों फ़ोन 17 to 20 के बहुत ही मिड रेंज और बजट फ़ोन्स हैं गेमिंग के लिए, अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो। तो अभी मैं इनको कंपेरिजन करता हूँ गेम स्टार्ट से। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि कौन सा गेम स्टार्ट करता है, कौन सा गेम लेट स्टार्ट करता है, और आगे गेम प्ले, TDM, बैटरी, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, स्किप ना कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम गेम चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गेम ओपन से कि कौन सा फ़ोन जल्दी गेम ओपन करता है। यहाँ पर डिस्प्ले पहले सोनी Xz2 की आई है, आगे चेक करते हैं। चेक करते हैं कौन सा पैरेट लगाता है। सेम आ रहा है बिल्कुल। चेक करते हैं, नैनो माइक्रो सेकंड का फर्क है सोनी Xz2 के अंदर। सोनी Xz2 ने पहले गेम स्टार्ट किया जी। तो अभी हम चेक करते हैं कि कौन से फ़ोन में बुलेट्स जल्दी कनेक्ट होती हैं और किस में लेट कनेक्ट होती हैं, वो हम चेक करते हैं एक रूम बना के। तो देखते रहिए आप। तो यहाँ हम आ चुके हैं एक रूम में, और अभी हम चेक करते हैं इनके बुलेट्स का कौन से में जल्दी कनेक्ट होती है। दोनों का एम हम हेड पे रख के अब हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 के साथ। इस पर आप देख सकते हैं मोटो Z2 फोर्स की बुलेट्स पहले कनेक्ट हुई है, Xz2 की लेट कनेक्ट हुई है। तो अभी हम इसके बाद अब हम चेक करते हैं TDM, और इसमें मैं कुछ क्लिप्स डालूंगा जिसमें आप ख़ुद चेक कर सकते हो। हॉट ड्रॉप्स के मैं सीन डालूंगा, मोटो Z2 फोर्स के भी डालूंगा, और सोनी Xz2 के भी डालूंगा जो कि मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। वो क्लिप्स मैं इसमें ऐड करूँगा जो कि आप ख़ुद पर चेक कर सकते हो और बता सकते हो कि इसमें से कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं ठीक, और कौन सा ज़्यादा लैग करता है, कौन लैग नहीं कर रहा, वो अभी आप ख़ुद चेक कर सकते हो। बैटरी भी हम आपको बताएंगे इसके अंदर जी। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं फ़ोन की 50% बैटरी है। अब एक हम TDM खेलेंगे और आपको बताएंगे कि बैटरी इसकी कितनी ड्रेन हुई। ये हम आ गए हैं TDM में, ये कि आप चेक कर सकते हैं, और जो हल्का सा आपको लैग नज़र आ रहा है ये जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उसका मसला है, ये गेम का मसला नहीं है। गेम बिल्कुल 60 FPS पे चल रही है। मेरे पास FPS मीटर नहीं है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। जी तो ये हमने एक अभी एक TDM खेला है, और मैं इसकी आपको बैटरी बताता हूँ। 47% जस्ट 3% गिराई है, 3 to 4% गिराई है इसने बैटरी। अब मैं मोटो Z2 फोर्स के ऊपर TDM खेल के आपको बताता हूँ कि इसकी बैटरी की क्या सूरत हाल है, और साथ में ये भी बताएंगे कि Z2 फोर्स लैग करता है या नहीं करता। जी तो ये फ़ोन अभी 44% पे है बैटरी पे, और एक TDM खेल के मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कितनी परसेंट बैटरी गिराई। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इसमें किसी किस्म का कोई लैग नहीं, 60 FPS पे लॉक है बिल्कुल TDM में गेम। और ये TDM खेल के मैं अभी आपको इसकी बैटरी बताता हूँ कितनी परसेंट इसने ड्रेन की है, और फ़ोन हीटअप हुआ है या नहीं हुआ। Echo
जी तो यहाँ कंप्लीट हो चुका हमारा फर्स्ट EDM मैच, और ये बैटरी आप चेक कर सकते हैं 41% बैटरी है, मतलब 3% बैटरी गिराई इसने भी और Xz2 ने भी, मतलब बैटरी में दोनों बराबर है फ्रेंड्स। जी तो ये अब दोनों फ़ोन के क्लिप्स हैं, अब आपको चेक कर लेंगे कौन सा फ़ोन लैग कर रहा है, कौन सा फ़ोन नहीं लैग कर रहा। मेरे ख्याल से कोई भी फ़ोन लैग नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम है दोनों 4GB रैम के साथ है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।